पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा बालोद छत्तीसगढ़ में है, जिसका आगाज यहाँ पर हो गया है। देखिए यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा स्थल है उसके जो मेन रास्ता यह है, यहाँ से भक्तजन का आना जाना यहाँ पर लगा रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है उसका ये चमत्कारी पांडाल भी यहाँ पर लगाया गया है। ये आगे हम आके चल के आपको दिखाते हैं, ये पूरी व्यवस्था है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। छत्तीसगढ़ के बालोद में शिव महापुराण कथा का 25 अगस्त से 23 अगस्त तक यहाँ पर आयोजन का चलाया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियाँ यहाँ पर पंडित जी के। देखिए यहाँ पर कितने श्रद्धालु आ चुके हैं, ये चमत्कारी पांडाल भी यहाँ पर लगाया गया है, कितना भव्य पांडाल यहाँ पर लग रहा है। देखिए यहाँ पर ये श्रद्धालु, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पंडित जी की जो शिव महापुराण कथा 25 से 29 तक होने जा रही है उसके पहले ही यहाँ पर देखिए कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुँच गए हैं। यह पूरा व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा 25 से प्रारंभ हो रही है, उसका यह नज़ारा है। यह तमाम नज़ारा देखिए आप, यहाँ पर पुलिस प्रशासन वगैरह की ड्यूटियाँ भी यहाँ पर लगा दी गई हैं। ये श्रद्धालु यहाँ आए हैं, ये पूरा नज़ारा बालोद छत्तीसगढ़ का है जहाँ पर यह आकर्षक पांडाल भी लगाया गया है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, ये पूरी व्यवस्थाएँ देखिए आप बालोद में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है वो 25 से प्रारंभ होने वाली है। पंडित जी का आगमन सायं 7 बजे तक हो जाएगा। ये श्रद्धालु यहाँ पर देखिए किस तरह से अपना डेरा जमाए बैठे हैं, ये पूरी व्यवस्थाएँ यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रही है। पंडित जी की जो कथा है प्रदीप मिश्रा जी की, उसको सुनने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ आ चुके हैं श्रद्धालु। ये सामने जो मंच रहेगा उसके पास में भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी जगह पहले से ही सुनिश्चित कर ली है। यह तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ पर पंडित जी की कथा का है। देखिए यहाँ पर ये कितने श्रद्धालु आ चुके हैं, यहाँ पर बैरिगेट्स वगैरह भी लगाए गए हैं, कितना भव्य पांडाल यहाँ लगाया गया है। ये देखिए आप, ये कितने श्रद्धालु आ चुके हैं, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। ये आइए हम इनसे चर्चा करते हैं क्या क्या व्यवस्था है पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा की छत्तीसगढ़ में बालोद में रहेगी। सब प्रकार के व्यवस्था है, पेयजल के व्यवस्था है, टॉयलेट बाथरूम है, सब प्रकार के भोजन, सभी लोगों के भोजन का व्यवस्था है। तो देखिए भगवान मणिलिंग शिवलिंग का यह नाम रखा गया है। आज की एकदम ताज़ा तस्वीरें ये है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें।